यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री को तगड़ा झटका दिया। यूरोपियन यूनियन ने उन दोनों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया। ये दोनों की वो संपत्ति है जो यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने पर नाराजगी जताई। उसके बाद ही उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया, ऐलान किया। संदीप बोल, कहां है संपत्ति ये? देखिए, ये जो भी संपत्ति है यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों में जो है ये संपत्ति है, और जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने इस अटैक को और इस हमले को अंजाम देने के लिए जो स्वीकृति दी, उसके बाद जो लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है, और अब ये साफ हो गया है और ये एग्री कर लिया गया है कि जितने भी एसेट जो है व्लादिमीर पुतिन के उनके उनके एरिया में है, उनको जो फ्रीज किया जाएगा। नए सैंक्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और ये सरकारी संपत्ति या उनकी अपनी निजी संपत्ति की बात हो रही है? देखिए, ये उनकी निजी संपत्ति की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं, ऐसे बिजनेस जो होते हैं, जो पर्सनल बिजनेस होते हैं, वो भी अलग अलग है, और कई सारे ऐसे एसेट्स जो होते हैं अलग अलग देशों में होते हैं उन लोगों के, वो सारे एसेट्स जो है अब वो फ्रीज करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने इस बात को एग्री किया है और जल्द ही जो है इस पर कार्रवाई भी संभव होगी।